नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन विद वाटर। अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट करती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेशियम और सोडियम की। हमने पहले भी देखा था कि ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती हैं, ये पानी के साथ भी रिएक्ट करती हैं। वाइग्रसली विद कोल्ड वाटर टू गिव हाइड्रोजन, ठंडे पानी के साथ भी अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करती हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर उबलते हुए पानी के साथ ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और ये तैरना भी शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं जो कि मेटल के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम ये ज़्यादा आक्रामक नहीं है क्योंकि इसमें से जितनी भी हीट निकलती है उससे आग नहीं जल सकती, तो ये कैल्शियम भी फ्लोट करना शुरू कर देती है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं वो मेटल के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। कैल्शियम है और वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जिंक, जिंक जो है ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है अगर हम इसको बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करें, पर अगर हम भाप के साथ स्टीम के साथ इसको मिक्स करें तो बहुत जल्दी असर दिखाता है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। जिंक वाटर यहाँ पर स्टीम की फॉर्म में है, रैपिडली रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अल्मोनियम। अल्मोनियम भी बॉइलिंग वाटर के साथ धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आयरन की बात करें तो रेड हॉट आयरन जो है वो भाप के साथ रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, तो हाइड्रोजन तब जाके रिलीज होती है। अगर बात करें लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की, तो ये किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मेटल दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिकम्पोज कर देती है उसके सॉल्यूशन में से।